हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अक्रम और आप देख रहे हैं अक्रम टूर ब्लॉग्स। अब हम लोग आ चुके हैं जयपुर और जा रहे हैं आमेर के किले, और बाकी आपको आगे की अपडेट हम लोग दिखाते रहेंगे। जो भी होगा वो सब दिखाएंगे ज़रूर। और मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आगे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये है आमेर के किले का एंट्री और ये है पार्क। देखिए आप कितना ही खूबसूरत है ये, और आसपास का नज़ारा भी देख सकते हैं कितना शानदार है, बहुत ही गजब का व्यू है। ये भी एक कोई किला है सामने देख रहे हैं, और इधर झील है और उधर भी वो रामगढ़ किला है। इससे पहले मैं आया था, और वो देखिए अपना इंडियन फ्लैग लहरा रहा है सामने, आपको दिख सकता होगा, देख रहे होंगे। ये देखिए तो दोस्तों, अब हम लोग आगे ऊपर चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे तकरीबन 350 हैं, इसी तरह से ऊपर तक देख रहे होंगे, वहाँ तक पूरे स्टेप 350 हैं। और दोस्तों पसंद आए ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे से और भी वीडियो बनाऊँ और जाके आपको नई नई जगह दिखाऊं। आमिर भाई हैं, थोड़ा सा थके हुए हमें लग रहे हैं, कुछ कुछ थक गए हैं असल में, इनका थोड़ा सा वजन भी है माशाल्लाह से, जो बात है इस वजह से। दोस्तों हम लोग 100 स्टेप चढ़ाए हैं और अभी 250 तकरीबन और चढ़ने हैं, और देखते हैं। एक जगह हम लोग रेस्ट कर चुके हैं क्योंकि काफ़ी ऊँचा है, और आप देख सकते हैं हम लोग 668 स्टेप चढ़ चुके हैं, 668 मतलब कदम चल चुके हैं, और जो नीचे देख रहे हैं वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। राजस्थान में आकर राजस्थानी हो गए यार उस्ताद, है ना। और एक भाई ने मुझसे कहा था कि भाई आराम आराम से जाना, तो जल्दी पहुँच जाओगे, सुकून से पहुँच जाओगे, थकोगे नहीं, इसीलिए हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं। और एक सामने देख सकते हैं मेरा भाई ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉगर है वो भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे शूटिंग चल रही है, किसी मूवी का एड या कुछ हो रहा है, जो भी है बहुत ही भीड़ है, काफ़ी गार्ड वगैरह हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं इनके स्पेशलिस्ट। और वो देख सकते हैं सेटअप है लाइट आइट का। ये आमेर के किले के पीछे का व्यू है, ये देख सकते हैं पुराने ही सब मकान बने हुए हैं, काफ़ी नीचे हैं। और ये वो उधर देख रहे हैं वो रामगढ़ की दीवार है, और रामगढ़ का किला है भैया, और बंदा स्टंट कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, वो देखिए पेड़ के नीचे, पेड़ के पास में। हाँ ये देखिए, ये बंदा स्टंट करेगा, ये कोई फेसबुक का ऐड चल रहा है उसी का ये स्टंट चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए धुआं उड़ा है नीचे से, और ये बंदा कूदेगा फांदेगा जो कुछ करेगा, काफ़ी डस्ट उड़ा दी है। पास से चल के देखिए आमिर भाई, सामने से हम लोग ऊपर जा रहे हैं दोस्त, और हमने ये टिकट ले लिया है आमेर किले का, पर पर्सन 100 रुपीज़ है। और इस स्टेप देख सकते हैं काफ़ी ही ऊंचे ऊंचे हैं, ये काफ़ी इसमें चढ़ने में मेहनत पड़ रही है। और ये यहाँ पे, और ये है आमेर का किला, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। और जो इस पे कलाकारी नक्काशी कलर हुआ है वो देख सकते हैं कितना ही गजब का है, और काफ़ी भीड़ है। और ये ऊपर का कुछ नज़ारा है ऐसा, और मैं चल के थक गया हूँ तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी दोस्तों। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बाज़ार बोला जाता है, और यहाँ पे शूटिंग चल रही है, आगे देख रहे होंगे सेटअप वगैरह रखा है सब। और ये जयपुर है, बाकी सिटी वो और अंदर है, बाकी तो ये ऐसे ही साइड का है। और ये आप दीवार देख रहे होंगे जो ये काफ़ी दूर तक गई हुई है, रामगढ़ के किले की ये दीवार है। और ये जो किला है ये आमेर का किला है जहाँ से हम शूट कर रहे हैं, और ये सामने भी उसी का हिस्सा है। Yeah,
आपको शीश महल दिखाएंगे चल के, वो अंदर है। और मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी आने की यहाँ पे देखने की आमेर के किले को। काफ़ी फेमस किला है, काफ़ी ही पुराना किला है ये किला, वो आज भी ऐसा ही है, 450 साल पुराना, कितना ही खूबसूरत आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत बागीचा बना रखा है फूलों का, बहुत ही शानदार। यहाँ पे काफ़ी शूटिंग हो चुकी हैं, काफ़ी मूवीज़ की, सॉन्ग की, और हुआ ही करती हैं। ये किले के अंदर का एंट्रेंस है, ये जो आप कलर देख रहे हैं ये सब्जियों से मिक्स करके बनाया गया सारा कलर, और 400 साल पुराना है वैसा ही आज भी ये कलर है। और देख सकते हैं सब अलग अलग कलर हैं, और काफ़ी ही खूबसूरत कलर है, ज़बरदस्त नेचुरल कलर जिसको बोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है दोस्तों। फाइनली हम आ गए हैं शीश महल जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर प्रेम रतन धन पायो मूवी की शूटिंग भी हुई है, और आप देख सकते हैं यहाँ शीशे से नक्काशी है, और काफ़ी ही पुरानी है ये बिल्डिंग, 400 साल पुरानी, और आज भी नई चमक रही है, इतनी ही खूबसूरत है। हमारे आमिर भाई बहुत थक गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त, देख के दिल खुश हो गया मेरा। मेरा जो आने का यहाँ पे एक एम था वो आज पूरा हो गया फाइनली। इसको दोस्तों ऐसा ही शीश महल कहते हैं, देख सकते हैं पूरा शीशे से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, इतना पुराना होने के बावजूद अगर इसमें हाथ अपना लगाए जाते ये आज भी वैसा ही होता। फिर ये डी पड़ गए, पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए, काफ़ी अंधेरा है और ऊपर जा रहे हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है ये है कोई पॉइंट ही ऊपर जाने का। हाँ ये खैर पॉइंट है, खुल गया है, आगे रास्ता भी है जी। आ गए हम लोग, खैर दूसरे रास्ते से, इसका रास्ता इधर है, ये भी कोई आसन वगैरह होगा बैठने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, ये देख सकते हैं। ये लकड़ी जो लगी है सागवान की, इतनी पुरानी, जिसको रोके हुए आज भी दोस्तों। ये देख सकते हैं पानी वानी लाने के लिए या सामान लाने के लिए है पूरा सिस्टम, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। उस टाइम का ये तरीका है लाने के लिए, अब तो खैर ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, भी पानी इसे खींचते होंगे। ये रस्सा भी पड़ा हुआ है, उस टाइम का है या अभी नया डाला गया है, और इसमें देख सकते हैं कबूतर पले हुए यहाँ पे, और ये और गिंगटे हैं पे, ये गैलरी देख सकते हैं कितनी लंबी है, गैलरी एक ही बंदा एक टाइम पे आ सकता है, इसमें ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। ये पूरी गैलरी है सीधी, और ये यहाँ का एरिया है, यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह होती होगी, यहाँ से देखते होंगे उनकी रानियाँ महारानियाँ चारों तरफ, आप देख सकते हैं दर बने हुए हैं देखने के लिए उनके, और काफ़ी बड़ा है, कन्फ्यूज़न वाला है, हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे किधर से जाना है किधर से आना है, वही लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों स्टेप देख सकते हैं कितने ऊँचे ऊँचे हैं, और कैसे चलाते हैं उनको देखिए तो आदत भी नहीं है, अरे यार पकड़ने वाला अलग से भी लगाया है, पहले लगा था के आदमी होता था ऐसे, ऐसे ये मान सिंह का टाका है जी, ये देखिए मान सिंह का टाका। रूम के अंदर अटैच लेटरिंग हम लोग अब बनवाते हैं, ये पहले की बनी हुई है, जो भी यहाँ के अंबर किले के जो राजा थे उन्होंने बनवाई थी, और इधर सब लेटरिन से निकल गए हैं, और ये उनका रूम है, एक रूम इधर है एक इधर है, और ये पूरा आसन है दोस्तों देख सकते हैं, जो उस टाइम का टॉयलेट है वॉशरूम, यहाँ एक साथ कितने बंदे बैठ सकते थे, 1, 2, 3 और 2, 5 और 1-6 बंदे एक साथ बैठ सकते थे। यहाँ से रानियाँ हवा खाती थी, यहाँ से नेचुरल हवा आती थी, क्योंकि उस टाइम एसी कूलर तो कुछ होते नहीं थे, और ये देखिए ये आती थी, और यहाँ पर ये छोटा सा बना है, इसमें से झाँका करती थी, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे, आसन लगता था उनका यहाँ पे। और ये देखिए लंगोड़ी बंदर घूम रहे हैं, ये देखिए उस टाइम की तिजोरी हमारे आमिर भाई ने उठा दी है, इतनी भारी तिजोरी को अपनी ताकत का यहाँ पे दिखा दिया पूरा, बहुत ही गजब की
ये एग्जिट पॉइंट है और ये जब सजा लोगों को दी जाती थी इसमें तेल खोलाया जाता था, ये वही जगह है। दोस्तों यहाँ पे अभी भी शूटिंग चल रही है, मैं 2 घंटा घूम के आ गया हूँ आमेर किला, उसके बावजूद भी शूटिंग चल रही है। देख सकते हैं आप, सब लोग भागते हैं और ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं सब खुद का इन लोगों ने सेटअप लगा रखा है और किसी एडवर्टाइजिंग का शूटिंग चल रही है फेसबुक के, ये बिकेगा नहीं बस खाली। इन लोगों ने आमेर किला देखा, अब मेरा ब्लॉग यहीं पे आमेर किले का पूरा होता है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरे चैनल को अक्रम टूर ब्लॉग के नाम से प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।